स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि फेसबुक पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक वीडियोज पर अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे फेसबुक पेज की रीच लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, बहुत ही अच्छे परसेंटेज में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर हमने ऐसा फेसबुक के ऊपर क्या किया है जिससे कि हमारे फेसबुक पेज की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अचानक। सो दोस्तों आपको अपने फेसबुक पेज की रीच को बढ़ाने के लिए इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप बिना कोई मिस्टेक किए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स आपके फेसबुक पेज की रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्पैक्ट मुझसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो आप देख रहे हो मेरा जो पेज है ये डेमो पेज मैंने बनाया हुआ है, इस पर इतनी ज़्यादा भी रीच नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए ये काफ़ी है कि इस रीच को तुम भी हासिल कर सकते हो बिना ज़्यादा हार्डवर्क किए। जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ उनको फॉलो करिए, फिर आपको भी यहाँ पर ग्रीन साइन देखने को मिलेंगे, आपके फॉलोअर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपके रीच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके व्यूज की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगी। अब अगर आपने हमारा पेज देखा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अपन पेज पे ही चलते हैं। सो चलिए ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा पेज है। अब इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सो देखिए हालांकि यहाँ पे टॉप पे आपको पेज का नेम शो होगा, सो हमने इस पेज का नेम ही न्यू पेज रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने रीच बढ़ानी है तो यहाँ पे देखिए ये एक बायो आप सेट कर दीजिएगा ताकि जो लोग आए आपके पेज के ऊपर, जो आपके पेज को देखे, एटलीस्ट वो लोग फॉलो करें, राइट? क्योंकि वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इससे रीच डाउन होगी। लोग ज़्यादा पेज पर आएंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे तो रीच डाउन होगी। सेकंड चीज, आपको अपने पेज को व्यवस्थित करके उसकी प्रोफाइल और कवर फोटो सेट कर देना है, दोनों ही अट्रैक्टिव होने चाहिए। अगर आप दोनों को क्रिएट नहीं करना चाहते तो जो अवतार आपको मिलता है वो अवतार ही आप लगा दीजिएगा, लेकिन लगा दीजिएगा इस चीज़ को खाली बिल्कुल भी मत डालिएगा, और कोई इरिटेटिंग फोटो तो बिल्कुल भी अपलोड मत करिएगा, राइट? तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग फोटो अपलोड करिए जिसको कि लोग देखना पसंद करें। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट आपने पेज बना लिया, मान लीजिए आप कंटेंट भी डाल रहे हैं, तो अब एक चीज़ आपने हमारे पेज पे नोटिस की होगी, यहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखिए हम यहाँ पे अगर अपन देखें वीडियो के सेक्शन में जाके तो ऑलमोस्ट दो ही वीडियो है जो हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे है और उन दोनों के ऊपर ही इतनी ज़्यादा रीच नहीं है। सो कहने का मतलब ये, क्या वीडियो पे रीच नहीं आती है? तो इसका आंसर है कि वीडियो पे रीच आपको कम देखने को मिलेगी। अगर आप फेसबुक पे डायरेक्टली वीडियोज अपलोड कर रहे तो हो सकता है कि आपके वीडियोज पे व्यूज बिल्कुल भी ना आए। जैसे कि ये 5 घंटे पहले मैंने अपलोड किया, सिर्फ 1 व्यूज है, और ये 2 दिन पहले यहाँ पर अपलोड किया है और आप देख सकते हैं सिर्फ 1 व्यूज है। तो आखिर व्यूज आ कहाँ से रहे? तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे मोर के बटन पे, और यहाँ पे जाके हमें रील के बटन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे ही हम रील्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आपको पता चलेगा कि हमारे ज़्यादातर जो व्यूज आ रहे हैं वो बेसिकली रील्स से आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं रील्स के अंदर हर एक वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छे डिसेंट व्यूज है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ईजिली वॉच कर रहे हो। सो देख सकते हैं किसी भी 183, किसी पे 103, किसी पे 106, किसी पे अगेन 106, 108, 77, इस टाइप से व्यूज आ रहे हैं रील्स के ऊपर। और पहले के भी अगर अपन वीडियोज देखें तो बहुत ही बढ़िया व्यूज इन पे देखने को मिल रहे हैं। लाइक एग्जांपल के लिए देखिए 416 व्यूज, 118 व्यूज, 157 व्यूज, 127 व्यूज, 114, 22 व्यूज। अब सबसे वायरल वीडियो मैं यहाँ पे आपको अपने पेज का बताने जा रहा हूँ, और वो इतना वायरल है कि वहाँ पे 320,000 व्यूज है। जी हाँ दोस्तों, और सुबह यहाँ पे सिर्फ 314,000 व्यूज़ थे। तो
तो ये हर दिन इस वीडियो पे व्यूज बढ़ रहे। अब इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि इस वीडियो पे हर रोज व्यूज बढ़ रहे और उसके चलते हमारा पेज भी ग्रो कर रहा है, बाकी के वीडियोज पे भी व्यूज आ रहे। मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा हो जो कि लोग देखने के लिए आखिर तक रुके। ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन इसके अंदर जो ट्रक है बेसिकली वो यहां पे देखिए साइड में इस लाइन से टकरा रहा है और इस लाइन को पूरा तोड़ रहा है। यानी कि ये एक एक्सीडेंट का वीडियो था और इसको पूरा एंड तक देखने के लिए पब्लिक यहां पे रुकी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इस वीडियो की लेंथ ही बहुत छोटी है, 9 सेकंड का ये वीडियो है, 8 सेकंड तक पब्लिक ने इसे देखा है जितने भी व्यूज आए उनमें। इसका मतलब ये है कि पब्लिक का ऑडियंस रिटेंशन इस वीडियो पे काफी ज्यादा है और उसी के चलते ये रील बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है, बहुत ज्यादा व्यूज भी इस पे आ रहे हैं और लगातार ये चल रही है और इसी के चलते हमारे पेज को भी बूस्ट मिल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश ये करिएगा कि जितनी भी रील आप अपलोड करें उनकी लेंथ छोटी हो। अगर आप बहुत ज्यादा लेंथ वाली रील को अपलोड करेंगे हो सकता है कि उनपे अच्छे व्यूज मिले, लेकिन ज्यादा टाइम तक ज्यादा लोग उसे पूरा नहीं देखेंगे एंड धीरे धीरे उसकी रीच डाउन होने लगेगी, जैसा कि इन वीडियोज के साथ हुआ। देखिए ये वीडियोज इनिशियल एज में काफी अच्छा परफॉर्म किए, हजारों में इनके व्यूज गए, लेकिन धीरे धीरे इनके व्यूज रुक गए और ये जो वीडियो है टॉप पे इसके व्यूज अभी तक नहीं रुके और लगातार ये ग्रो कर रहा है। आगे ये कितना ग्रो करेगा ये किसी को नहीं पता है, हालांकि इस पे अभी ग्रोथ कम हो चुकी है बट अभी भी ये ग्रो कर रहा है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आपको जो है फेसबुक पेज बना के काम करना है। आप फेसबुक प्रोफाइल को मोनिटाइज ऑफकोर्स करवा सकते हो, लेकिन फेसबुक पेज को ज़्यादा बूस्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आप नॉर्मल बड़े वीडियोज डालोगे तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी व्यूज़ ना मिले, लेकिन अगर आप रील्स डालना शुरू करते हो 5-7 रील्स डेली बेसिस पे अगर आप अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते हो तो आपका पेज ज़रूर बूस्ट होगा, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है फ्रेंड्स वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। करंटली आप देखिए मेरे इस पेज पे क्या चल रहा है, वीडियोज मैंने डाल के देख लिए नहीं चल रहे, लेकिन रील्स आपके सामने डाल रहा हूँ और रील्स परफॉर्म कर रही है। इम्पैक्ट जो रील वायरल हुई है उस रील से इतना अच्छा खासा वॉच टाइम मिल चुका है जितना आप यकीन नहीं करोगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैनेज में चल के। अब यहाँ पे अपन आ चुके हैं मोनेटाइजेशन के टैब के अंदर, मैं जाके आपको वॉच टाइम दिखाता हूँ और वो सिर्फ उस एक वीडियो से मिला है। ऐसे ऐसे 5-7 वीडियो वायरल हो जाए पेज हाथों हाथ मोनेटाइज हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टार मोनेटाइजेशन टैब में जाए तो यहाँ पे हालांकि वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, फॉलोअर्स काउंट होते हैं जो कि आप देख रहे हो, फॉलोअर्स से कम पड़ रहे, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। एड ऑन रील को अगर अपन देखें तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि रील से कमाई नहीं होगी या कमाई कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड ऑन रील का फीचर आ चुका है, अब हर रील के बाद एडवर्टाइज आएगी एंड उससे भी जो क्रिएटर है बेसिकली वो पैसा कमाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन स्ट्रीम एड, अब देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए 5 वीडियो हमारे शेयर हो चुके हैं, ब्लू ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पे 60,000 मिनट में से 38,000 मिनट सिर्फ और सिर्फ उस एक वीडियो ने कंप्लीट कर दिए, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमें मोनेटाइज करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और ये तब होगा जब आप लगातार रील अपलोड करते जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि कल 2 रील अपलोड की थी वो अभी चल नहीं रही है तो आगे नहीं करता हूँ। देखिए दोस्तों आगे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, लगातार जब आप अपलोड करेंगे तभी जो है आपकी कोई ना कोई रील वायरल जाएगी। आप 2-4-5 रील 10 रील डाल के ये नहीं सोच सकते कि इसमें अगर वायरल नहीं गई
तो आगे भी नहीं जाएगी। हो सकता है आगे भी 10 रील तक आपकी वायरल ना जाए, बट जो एक आपकी वायरल जाएगी ना, वो कंप्लीटली आपका वॉच टाइम पूरा कर देगी, इम्पैक्ट आपके सारे फॉलोअर्स लाके दे देगी। इस टाइप का सिनेरियो रहता है। तो मुझे, मेरा बेसिकली ऐसा मानना है कि जो भी अपने फेसबुक पेज की रीच बढ़ाना चाहता है, फेसबुक पेज को ग्रो करना चाहता है, उसको रील्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय लॉन्ग वीडियोज के, तो वो अपने फेसबुक पेज को इजीली